सर प्लीज लीड ऑफ द पोजीशन। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना करना ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना ये पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया, तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा। और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है, इसका हम कंडम करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं, नहीं नहीं कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं नहीं मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात रख रहा हूं, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए, तो लोग अलग-अलग समय में अलग-अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं, इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। सर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, सर थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड। मच बिफोर आई रेस्पॉन्ड, दे वुड लाइक टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड गो अवे। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दे डोंट इवन वांट